टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 3.9 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसा होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है. तो हमें एक साइड दे रखी है, कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड, मतलब तीनों साइड का निकालना है हमें कि तीनों साइड्स जोड़कर कितना होगा, यानी पेरीमीटर निकल जाएगा वो. तो चलो हम इसे करते हैं. एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक साइड दे रखी है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर. तो एक जो साइड है वो 3.9 सेंटीमीटर की है और हमें पेरीमीटर निकालना है. इससे पहले आप ये लाइन भी लिख दोगे, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल. ठीक है, ये लाइन लिख दोगे आप कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें कितनी दे रखी है, 3.9 सेंटीमीटर. यहाँ पे ईच लगा दो, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर. तो हमें पेरीमीटर निकालना है. तो आगे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 × 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों साइड का क्या होगा, इक्वल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 11.7 सेंटीमीटर. यहाँ पे पॉइंट लगा लो. तो यानी जो पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना आ गया, 11.7 सेंटीमीटर. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग. आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे.